एंड वेलकम टू पेंडुलम ईडियो। स्वागत है दोस्तों आपका पेंडुलम ईडियो में। और आज हम हाजिर हैं आपके सामने हमारी सीरीज एसएससी सीएचएसएल 2019 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन से लास्ट वीडियो लेकर। जैसा कि हमने वादा किया था, हमने पूरे के पूरे पेपर्स जो हैं आपको डिटेल में और एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है, आपको अप्रोच बताई है कि किस अप्रोच से आपको एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, ताकि आपको 25 में से 25 मार्क्स जो है रीजनिंग में मिल सकें कम से कम टाइम में। तो दोस्तों, ये पेपर जो था जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट पेपर है, वो पेपर हुआ था आपका 11th of July लास्ट शिफ्ट में। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सिलेक्ट नंबर पेयर इन विच द टू नंबर्स आर रिटन इन द सेम वे एज आर द टू नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर आर रिलेटेड। तो पेयर क्या है, 20 और 30 की बात करें अगर हम, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो इन आप इसको इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं इसको 4 into 5 एंड 30 को हम लिख सकते हैं 5 into 6। तो अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो हम इसको 3 into 4 लिख सकते हैं 12 को, बट 23 को हम नहीं लिख सकते कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में। सिमिलर वे में अगर हम 6 की बात करें तो 2 into 3 होता है 6 एंड 14 को हम सिमिलर वे में नहीं लिख सकते। देन 30 एंड 42 की बात करें अगर हम, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 into 6 is 30 एंड देन 6 into 7 is 42। तो सिमिलर लॉजिक के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। नंबर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस, लॉयर्स, आर्किटेक्ट, ह्यूमन बींग्स। तो लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स और ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग्स, लॉयर्स और आर्किटेक्ट दोनों के दोनों ही ह्यूमन बींग्स तो जरूर होंगे, बट लॉयर्स और आर्किटेक्ट्स में खुद में कुछ भी रिलेशन नहीं होगा। तो अगर हम लॉयर्स को एल से डिनोट करें, आर्किटेक्ट्स को ए से एंड ह्यूमन बींग्स को एच से डिनोट करें, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया हमें अल्फाबेटिकल सीरीज, वो नंबर सीरीज सॉरी 2, 3, 8 and 31। अगर हम इसको लिखें 2, 3, 8 और 31 एंड मिसिंग टर्म जो है हमारे उसे फाइंड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा 2 into 1 plus 2 minus 1 करने पे हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 2 plus 1 यानी कि 3। सिमिलर वे में अगर हम 3 into 2 plus 3 minus 1 करें तो हमें मिलेगा 3 into 2 6, 6 plus 2 will be 8 एंड अगेन 8 into 3 करने पे एंड 8 minus 1 करने पे हमें मिलेगा 8 3 are 24 एंड 24 plus 7 will be 31। इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए हम देखें तो 31 into 4 plus 31 minus 1 करने पे हमें मिलता है 31 into 4 होगा आपका 4 1 4 एंड 4 3 12 124 plus 30, ये हो जाएगा आपका 154 यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नमोनी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये लास्ट पेपर चल रहा है और इसको हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं और बहुत स्पीड से हम इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। डाइस इज रिलेटेड टू क्यूब इन द सेम वे एज बॉल इज रिलेटेड टू, डाइस जो है उसकी शेप होती है आपकी क्यूब की फॉर्म में। सिमिलरली जो बॉल होती है वो एक होती है स्फीयर की फॉर्म में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नमोनी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके जो टर्मिनोलॉजी आपको अच्छी तरह से याद हो चुकी होगी प्रीवियस कुछ पेपर्स की जो एनालिसिस देखी आपने उनसे। तो हमें बोला गया है श्याम इज दियाज ब्रदर, श्याम इज, श्याम मतलब कि मेल हो गया है क्योंकि वो ब्रदर है, इज रियाज ब्रदर, रियाज ब्रदर, रिया का भी जेंडर बताया नहीं गया हमें। मोहिनी इज द मदर ऑफ अनुज, मोहिनी इज द मदर ऑफ अनुज बोला गया हमें, तो ये हो गई मोहिनी एंड देन बोला गया हमें अनुज, मोहिनी इज द मदर ऑफ अनुज, मदर है यानी कि वो फीमेल होगी। देन बोला गया है अनुज इज श्याम्स ब्रदर, अनुज इज श्याम्स ब्रदर बोला गया है, अनुज इज श्याम्स ब्रदर यानी कि श्याम और रिया भी आपस में भाई बहन है, तो अनुज और रिया भी आपस में भाई बहन हो जाएंगे यानी कि अनुज भी मेल हो जाएगा। देन मोहिनी जो होगी वो तीनों के लिए जो है मदर हो जाएगी। देन बोला गया हमें रिया इज द डॉटर ऑफ राम, रिया इज द डॉटर ऑफ राम यानी कि मोहिनी के जो हस्बैंड हैं वो होंगे राम एंड राम विल बी मेल। अब बोला गया है हमें मोहिनी हैज़ अ रिलेशनशिप विद राम, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोहिनी एंड राम, ये पूछा गया हमें। तो मोहिनी ये रही एंड राम ये रहे, तो मोहिनी जो होगी वो वाइफ होगी राम की, तो ऑप्शन डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। नमोनी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया हमें सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड रोटेशन इज नॉट अलाउड बोला गया है हमें। तो हम फिगर एक्स को एम्बेड करने की कोशिश करते हैं, अगर हम फिगर एक्स को एम्बेड करें ऑप्शन नंबर सी में
तो ये रहा हमारी फिगर एक्स में सबसे पहले जो ये बड़ा ट्राइंगल है ये एम्बेड हो जाएगा, देन ये जो छोटा ट्राइंगल है हम इसको भी एम्बेड कर सकते हैं इसमें। तो फिगर एक्स जो है वो पूरी तरह से एम्बेड हो जा रही है फिगर सी में, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में बोला गया इन द फॉलोइंग वर्ड्स आर जल्दी अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी में। तो इनके स्टार्टिंग वर्ड्स हैं सबके सी हैं, फिर देन सेकंड लेटर्स भी, सेकंड अल्फाबेट भी एच है, देन थर्ड लेटर्स पे चलते हैं, थर्ड लेटर भी सारे ए हैं, देन फोर्थ लेटर जो होगा वो जज करेगा। फोर्थ लेटर अगर हम फर्स्ट की बात करें तो वो है आई, देन फोर्थ लेटर है चलान में एल, देन फोर्थ लेटर कैओस में है ओ, फोर्थ लेटर चैंपियन में है आपका एम, फोर्थ लेटर चेंजिंग में है एन। तो आई एल ओ एम एन में सबसे लास्ट जो लेटर होगा वो होगा आपका ओ, आई जे के एल एम एन ओ, वो लास्ट में होगा। तो अल्फाबेट यानी कि इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो जो ये वर्ड होगा केओस वो सबसे लास्ट में आएगा, तो केओस विल बी इन द लास्ट, यानी कि थ्री जो होगा वो लास्ट में होगा। थ्री सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में लास्ट में, तो ऑप्शन ए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में बोला गया हाउ मेनी स्क्वायर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फिगर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्मॉल स्क्वायर्स हैं, स्मॉल स्क्वायर थ्री स्मॉल स्क्वायर्स इस रो में है एंड थ्री स्मॉल स्क्वायर्स इस रो में है, यानी कि थ्री इंटू थ्री यानी कि टोटल नाइन जो स्क्वायर्स हैं वो प्रेजेंट हैं आपके इन फॉर्म में, अगर हम इस स्क्वायर को काउंट करें तो इस टाइप के नाइन स्क्वायर्स हैं। देन बात करें हम ये छोटे वाले स्क्वायर्स की, तो छोटे वाले इस टाइप के फाइव स्क्वायर्स हो गए, तो फाइव और ऐड कर देते हैं हम इसमें। एंड अब बात करें हम कॉम्बिनेशन ऑफ जो स्क्वायर्स हैं वो कितने बन रहे हैं, अगर हम इन चार स्क्वायर्स को कम्बाइन करें तो एक स्क्वायर बनेगा, अगर हम इन चार स्क्वायर्स को कंबाइन करें तो एक और स्क्वायर बनेगा, देन इन चार स्क्वायर्स को कंबाइन करने पे हमें एक और स्क्वायर मिलता है, एंड देन इन चार स्क्वायर को कंबाइन करने पे हमें एक और स्क्वायर मिलता है। तो चार स्मॉल स्क्वायर्स को कंबाइन करने पे हमें टोटल फोर स्क्वायर्स मिल जा रहे हैं, एंड एक जो है टोटल नाइन स्क्वायर्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें मिल जाएगा टोटल ये बड़ा वाला स्क्वायर जो कि सबसे बड़ी फिगर है इसमें, तो यानी कि एक और स्क्वायर हो जाता है। तो टोटल नाइन प्लस फाइव इज़ फोर्टीन, एंड फोर्टीन प्लस फोर इज 18 एंड 18 प्लस वन इज 19, टोटल 19 स्क्वायर्स प्रेजेंट होंगे इस फिगर के अंदर, तो हम ऑप्शन बी को करेक्ट मान सकते हैं, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है सेलेक्ट ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर पेयर, एंड लॉजिक ऑफ क्वेश्चन है एफ यू रिलेटेड है यू एफ से, एंड पूछा गया है आर एस विल बी रिलेटेड टू विच वन। तो इसके लिए हम अल्फाबेटिकल सीरीज बनाते हैं, सबसे पहले ए बी सी डी, ये आपको जैसे ही रफ शीट मिले तभी बना लेनी है, एच आई जे के आई एम एन ओ पी क्यू आर एस ई यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी सिक्स। अब बोला गया हमें एफ यू इज रिलेटेड टू यू एफ, एफ का अगर हम कोड देखें तो एफ का कोड हो जाता है आपका सिक्स एंड यू का कोड होगा आपका ट्वेंटी सिक्स। सिमिलरली यू का कोड देखें तो ये ट्वेंटी सिक्स है एंड एफ का कोड है तो वो सिक्स है, नॉट 26, यू का कोड होगा आपका 21, सॉरी यू का कोड होगा 21, यहाँ पे भी यू का कोड होगा 21। तो 21 प्लस 6 अगर हम करें तो वो होता है 27। अगर किन्हीं भी दो अल्फाबेट का जो न्यूमेरिक सम है वो 27 आ जाता है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स होंगे। अगर हम अल्फाबेटिकल सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें और पहली जो अल्फाबेटिकल सीरीज है उसको एज इट इज लिख दें और जो दूसरी अल्फाबेटिकल सीरीज है उसको रिवर्स फॉर्म में लिख दें तो जो उनके अपोजिट लेटर्स होंगे वो होंगे उनका जो सम होगा, जो अपोजिट लेटर्स होंगे उनका जो सम होगा वो होगा 27 हमेशा। तो सिमिलर वे में हम आर एस को भी चेक करते हैं, आर में आर का कोड होता है 18 एंड एस का कोड होता है आपका 19। अगर मैं 27 माइनस कर दूँ 18 में से तो मुझे उसका अपोजिट अल्फाबेट मिल जाएगा, यानी कि 27 माइनस 18 होता है 9 एंड 27 में से अगर मैं 19 माइनस कर दूँ तो मेरे को मिल जाएगा एस का अपोजिट अल्फाबेट, यानी कि वो होता है आपका 8। तो 9 कॉरस्पॉन्ड करता है आई को एंड 8 कॉरस्पॉन्ड करता है आपका एच को, तो आई एच विल बी द कोड फॉर आर एस, तो आर एस जो रिलेटेड होगा वो आई एच से रिलेटेड होगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया समय सेलेक्ट द सेट इन विद द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट आर रिलेटेड, 35 48 एंड 83 दिया गया है हमें। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो 35 प्लस 48 जो होता है वो 83 होता है, यानी कि 8 प्लस 5 13 और कैरी ओवर 1, 4 प्लस 3 7 1 83। तो सिमिलर वे में अगर हम ऑप्शन ए को चेक करें तो 24 प्लस 49 जो होगा वो आपका हो जाएगा 73 ना कि 75, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन बी को अगर हम चेक करें तो ये आ जाएगा आपका 15 प्लस 24 विल बी 39, तो 39
यानी सिमिलर लॉजिक को फॉलो करते हुए ऑप्शन बी हो जाता है इसका सही आंसर, नामोनी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है एनलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, जीपी टीके से रिलेटेड एंड डीआर विल बी रिलेटेड टू विच वन। तो इसके लिए अल्फाबेटिकल सीरीज बनाते हैं। सबसे पहले हम अगर जीपी लिखा हुआ है हमें तो जीपी का कोड हो जाएगा आपका 7, जी का कोड 7 एंड टी का कोड होगा आपका 16। सिमिलर वे में अगर हम टी और के को चेक करें तो टी का कोड हो जाता है आपका 20 एंड के का कोड होगा आपका 11। अगेन यहाँ पर सेम लॉजिक के हिसाब से दूसरा क्वेश्चन दिया गया और दूसरा क्वेश्चन भी एनलॉजी बेस्ड ही है। अगर आपने पहले क्वेश्चन का जो लॉजिक था वो डिकोड कर लिया होगा टाइम पे इस पेपर में तो आपको दूसरे वाले में तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 20+7 यानी कि 27, ये अपोजिट पेयर्स हैं, जी और टी जो है अपोजिट पेयर्स हैं, पी और के भी सिमिलर वे में अपोजिट पेयर्स हैं। अभी हम डी आर को चेक करेंगे, डी का कोड होगा 4, आर का कोड होता है आपका 18। 4 के अपोजिट कौन सा होगा पेयर, 4 के अपोजिट पेयर निकालने के लिए आपको 27 में से 4 को माइनस करना है और आपका आंसर आएगा 23। सिमिलरली आर का अपोजिट निकालने के लिए आपको 27 में से 18 को माइनस करना है और आपका आंसर आएगा 9। तो 23 कॉरस्पॉन्ड करता है हमारा W को एंड 9 कॉरस्पॉन्ड करता है हमारा I को। WI विल बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। इसमें बोला गया विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज इन द फॉलोइंग इक्वेशन टू मेक इट करेक्ट। LHS साइड को हम सबसे पहले लिखेंगे, LHS साइड अगर हम लिखेंगे तो हमें मिलता है 10, 18, 20, 100, 5 डिवाइड इंटू माइनस एंड देन प्लस। तो अगर हम ध्यान से देखें इसमें तो पहला ऑप्शन से ही हम स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया हमें मल्टीप्लाई को माइनस से रिप्लेस करना है हमें 10, 18, 20, 100 एंड 5। मल्टीप्लाई को अगर हम माइनस से रिप्लेस करें तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस और डिवाइड एज इट इज रहेंगे। सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग 100/5 करेंगे तो हमें 20 मिलेगा, देन माइनस, उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन करने जाएंगे तो हमें 18 × 20 जो होगा वो 360 मिल जाएगा प्लस 10। अगर हम 360 प्लस 10 करें और माइनस 20 करें तो 27 में तो रिजल्ट करने वाला नहीं है क्योंकि वो बहुत एक छोटा टर्म है। तो ऑप्शन ए होता है हमें डायरेक्टली एलिमिनेट। अगर हम प्लस को डिवाइड से रिप्लेस कर दें, प्लस को अगर हम डिवाइड से रिप्लेस करें तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा यहाँ पे बी ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो 10/18 − 20 × 100 + 5 हो जाएगा। अगर 10/18 की बात करें तो 10/18 एक फ्रैक्शन वैल्यू है। 10/18 क्या होता है, 5/9 एक फ्रैक्शन वैल्यू। अगर 5 फ्रैक्शन वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आ गई तो राइट हैंड साइड में कभी भी इंटीजर वैल्यू आ ही नहीं सकती आपकी क्योंकि वो एलिमिनेट नहीं होने वाली है। तो हम डायरेक्टली इसको ऑप्शन बी को बोल सकते हैं कि ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी पे अगर हम चलें तो ऑप्शन सी में बोला गया हमें मल्टीप्लाई को डिवाइड से रिप्लेस कर दें। हम मल्टीप्लाई को डिवाइड से रिप्लेस करेंगे हम तो मिलेगा हमें 5। तो ये मिलता है हमें 20 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा −20/100 यानी कि −1/5 −1/5 × 5 और ये हो जाता है 10+18। तो अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 10+18 − 1 मिलेगा हमें, 10+18 − 1 जो कि होता है आपका 28 − 1 यानी 27। RHS साइड मिल जाती है हमें ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कह रहा है, वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। विंड इज कोडेड एज 414923 एंड कार्स इज कोडेड एज 194183, हाउ विल ओरिएंट बी कोडेड एज। तो इसके लिए सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल सीरीज बना लेते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज अगर हम बनाएं तो विंड का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, W का कोड होता है आपका 23, I का कोड अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग 9 होता है, N का कोड होता है 14 एंड D का कोड होता है 4। तो इन्होंने जो हमें कोड दिया गया वो इसके रिवर्स ऑर्डर में दिया गया, यानी कि 4, 14, 9 एंड 23। तो सिमिलर वे में अगर हम ओरिएंट को कोड करें तो हमें क्या मिलेगा, ओरिएंट को अगर हम कोड करते हैं तो O का कोड होगा 15, R का कोड होगा आपका 18, I का कोड हो जाएगा आपका 9, E का कोड होता है 5, देन N का कोड होगा आपका 14 एंड T का कोड होगा 20। अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले 20 को लिखेंगे हम, 14 को लिखेंगे, देन 5 को लिखेंगे, देन 9 को, 18 को एंड 15 को। 20, 14, 5, 9, 18, 15 यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑड वन आउट का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखें ध्यान से तो 7+8 यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को अगर आप जोड़ दो 7+8 तो आपको 15 मिल जा रहा है। सेकंड ऑप्शन में देखेंगे तो 6+9 अगेन 15 मिल जा रहा है। थर्ड ऑप्शन देखें तो 8+7 आपको मिल जा रहा है 15 अगेन, एंड लास्ट ऑप्शन देखें तो 8+9 होता है आपका 17 ना कि 15। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑड वन आउट और करेक्ट आंसर भी इस क्वेश्चन का। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर वन द मिरर इज प्लेस टू द राइट ऑफ द फिगर। ये जरूर आपको पढ़ना है, राइट पे है, लेफ्ट में, टॉप पे है, बॉटम पे है। तो इसके आपने राइट में एक जो है मिरर प्लेस कर दिया। मिरर की जो खासियत होती है वो ये होती है कि अगर वो सिमेट्रिकल फिगर है लेफ्ट साइड पे तो वो राइट साइड में भी बिल्कुल सेम दिखेंगी, और जितनी दूर वो लेफ्ट साइड में मिरर से हैं उतनी दूर पे
राइट साइड में होंगी। तो अगर हम क्योंकि एक सिमेट्रिकल फिगर है, रोम्बस बना हुआ है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल सिमिलर दिखेंगी यहाँ पर। देन बात करें जो ये फील्ड सर्कल्स हैं, ये भी एक सिमेट्रिकल फिगर हैं, तो भी कुछ इस टाइप से दिखेंगे। देन अगर हम बात करें ये, क्योंकि अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें तो ये दूर है, तो ये भी यहाँ पर दूर होगा और ये पास है इसके रिलेटिवली, तो जो शेडेड ओवल होगा वो पास में होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ना मूवी क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन अगेन। टोमेटो अनियन एग एंड पोटैटो में हमें ऑड वन आउट चूज करना है। कितना ईजी क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, टोमेटो अनियन और पोटैटो तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो नेचुरली ग्रोइंग वेजिटेबल्स हैं। एग जो है वो नेचुरली ग्रो नहीं करता है, ये जो है हैंस जो है प्रोड्यूस करती हैं। तो ऑप्शन सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। नमोनी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है, इट वाज सैटरडे ऑन 10 नवंबर 2018, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15th ऑफ अगस्त 2017। 15th अगस्त 2017 का हमें डे पूछा है। इसको आप जो मैं हमेशा तरीका बताता हूँ उससे भी अप्रोच कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली 15th अगस्त 2017 से 15th अगस्त 2018 तक का निकाल लीजिए, एंड देन उसके बाद जो है अगेन टोटल कैलकुलेट कीजिएगा पूरे के पूरे डेज, देन उसके बाद ऑड वन ऑड डेज निकालिए, एंड देन फाइनली आपको आंसर मिलेगा। उससे बेटर ऑप्शन जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत इजी मेथड। आपको करना क्या है, सिर्फ 5 वेरिएबल्स, जैसे हमने पिछली बार उसमें भी बताया था, आपको 5 वेरिएबल्स पता भी लग गए होंगे कि किस तरह से आपको 5 वेरिएबल्स निकालने हैं। V1, V2, V3 एंड V4, V5। V1 होता है डे का वेरिएबल, 15 अगस्त का पूछा गया तो 15 लिख देंगे हम। V2 होता है हमारा मंथ का वेरिएबल, अगस्त का वेरिएबल होता है 033, 035, 614, 625। ये जनवरी का वेरिएबल है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अगस्त का वेरिएबल 2 है तो V2 की वैल्यू 2 हो गई। देन 2017 हमें ईयर का वेरिएबल निकालना है, यानी कि 17 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा वो होगा हमारा 4 4 16, यानी कि 4 क्वेश्चन 4 आया है, देन 17 में हम 4 को ऐड करके 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो निकालेंगे वो होगा हमारा वेरिएबल 3 की वैल्यू। 17 + 4 = 21 एंड 21/7 हो जाता है पूरा का पूरा डिविजिबल 21/7 से, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो V3 की वैल्यू हो गई 0। अगेन हम बात करते हैं अब सेंचुरी की बात, तो सेंचुरी 20 को आपको डिवाइड करना है 4 से, रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 0। अगर 0 रिमाइंडर आता था तो 6420 कोड आपको याद होगा दोस्तों, तो 0 रिमाइंडर आने पे आपका 6 डायरेक्टली 6 जो है वो आएगा कोड V4 का। अब V5 की बात आई, V5 में जो है कोड सिर्फ 0 या 1 हो सकता है, जनवरी और फरवरी मंथ नहीं दिया गया है एक लीप ईयर का, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका कोड होगा 0। अब आपको जो है डे निकालना है, डे निकालने का सबसे आसान तरीका आपको 15 में +2 करना है, +0 करना है, +6 करना है, -0 करने के बाद 7 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर निकाल देना है। 15 + 2 = 17, 17 + 6 = 23। 23 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर आता है एग्जैक्टली 2। अब 2 जो रिमाइंडर आएगा उसका मतलब है कि आपके नंबर ऑफ ऑड डेज जो है वो 2 ऑड डेज हैं। 0 ऑड डेज होते हैं वो करस्पॉन्ड करते हैं आपका संडे को, 1 ऑड डे जो है वो करस्पॉन्ड करेगा आपका मंडे को, एंड 2 ऑड डे जो होगा वो आपको करस्पॉन्ड करेगा ट्यूजडे को। अब ट्यूजडे को करस्पॉन्ड कर रहा है तो ट्यूजडे होगा 15 अगस्त 2017 को, यानी ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन। पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन में इसमें बताया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिपिक्ट्स हाउ दिस पेपर विल अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। अनफोल्डिंग फोल्डिंग में आपको करना क्या है, आपने यहाँ पर जो लास्ट फोल्ड थी वो इस डायरेक्शन में गई थी, तो आप अनफोल्डिंग करोगे इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जिस लाइन के अबाउट आप अनफोल्डिंग कर रहे हो वहाँ पे आपको एक मिरर को प्लेस करना है। मिरर को प्लेस करने के बाद जो है उस मिरर के अबाउट जो है आपकी मिरर इमेज किस टाइप से बन रही है आपको वो चेक करनी है बस। तो वो मिरर इमेज हमारी कुछ बनेगी इस टाइप से, देन लेफ्ट साइड में अगर हम फिर दोबारा से अनफोल्डिंग करेंगे तो इस साइड की मिरर इमेज जो है इस साइड बनेगी और वो बनेगी आपकी कुछ इस टाइप से। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। हाँ, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में क्या है, यहाँ पर नीचे की साइड है, लोअर पार्ट में है जो डिवीजन है, इसमें अपर पार्ट में है, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा एकदम एग्जैक्टली अगर हम उसको अनफोल्ड करते जाएंगे तो इस टाइप की इमेज मिलेगी अगर आप ध्यान से देखें भी
तो ये वाला पार्ट जो है इसकी मिरर इमेज है, और ये पूरा जो पार्ट है ये इसकी मिरर इमेज है ये। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इन कोड लैंग्वेज थ्रस्ट इज कोडेड एज यू जे यू वाई एक्स जेड, हाउ विल वुड बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज। तो इसके लिए अपना अल्फाबेटिकल सीरीज बना लेते हैं सबसे पहले, देन चेक करते हैं थ्रस्ट को। THRUST थ्रस्ट। तो अगर हम टी का कोड लिखें तो टी का कोड होता है 20, एच का कोड होता है 8, आर का कोड होगा आपका 18, यू का कोड होगा आपका अगेन 21, देन एस का कोड होगा आपका 19, टी का कोड होगा आपका 20। सिमिलर वे में हम यू जे यू वाई एक्स जेड की बात करें तो यू का कोड होगा आपका 21, जे का कोड होगा आपका 10, यू का कोड होगा 21, वाई का कोड होगा 25, एक्स का कोड होगा आपका 24 एंड जेड का कोड होगा 26। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है ये देखिए, 20 + 1 करा आपने 21 मिल गया। अब यहाँ अगेन 8 + 2 करने पे 10 मिल जा रहा है, 18 + 3 करने पे आपको 21 मिल जा रहा है, 21 + 4 करने पे आपको मिल जा रहा है 25, 19 + 5 करने पे आपको 24 मिल रहा है, 20 + 6 करने पे आपको 26 मिल जा रहा है। तो सेम लॉजिक को लगाते हुए हम वुड को अगर चेक करें तो सबसे पहले हम +1 करेंगे, डब्ल्यू का नेक्स्ट जो वर्ड है वो होगा आपका एक्स, देन ओ में +2 करेंगे, ओ से दो लेटर्स दो अल्फाबेट्स आगे जो है वो होगा क्यू, देन अगर हम +3 करें तो ओ से 3 लेटर आगे मतलब कि 1, 2 एंड 3 होगा आर, देन लास्ट वन डी में अगर हम +4 करते हैं तो हमें मिलेगा एच, तो एक्स क्यू आर एच यानी ऑप्शन सी जो हो जाए, ओ नॉट ऑप्शन सी, एक्स ओ आर एच ऑप्शन सी, एक्स क्यू आर एच यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है डाइस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें जो है आपको क्या करना होता है, आपको इसमें कॉमन फेसेस जो है वो ढूंढने हैं सबसे पहले, वो ढूंढने के बाद आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इधर से भी चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो सबसे पहला अल्फाबेट है दोनों दोनों पोजीशंस पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पे कॉमन फेसेस के बाद जो दो पहला अल्फाबेट पहला सिंबल पहला नंबर पहला अल्फाबेट कुछ भी जो भी आपको डाइस में दिखाया गया है वो आएगा, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ पर हमें पूछा गया है ट्राइंगल अगर है तो उसके अपोजिट क्या होगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबसे पहले ये आ रहा है, देन इधर भी ट्राइंगल आ रहा है सबसे पहले, तो ट्राइंगल अपोजिट होगा इस सिंबल के, यानी कि ये सिंबल है आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया हमें लॉगिन बेस्ड क्वेश्चन, इसमें बोला गया हमें ऑल लाइन्स आर एक्सेस, ऑल लाइन्स आर एक्सेस, देन ऑल एक्सेस आर स्वॉर्ड्स बोला गया हमें, ऑल एक्सेस आर स्वॉर्ड्स एंड ऑल सॉज सॉज आर सॉज बोला गया है। सॉज को हम ऐसे ऐसे नोट कर लेते हैं, इसके दो केस बन सकते हैं, या तो सॉज इस तरह से दिखाई देंगी या सॉज इस तरह से। अब कंक्लूजन में दिया गया हमें ऑल सॉज आर नाइफ, क्योंकि नाइफ्स इंक्लूजिव है, हमने डायरेक्टली दिख भी रहा है वेन डायग्राम में, तो हम वेन डायग्राम को देखते हुए डायरेक्टली बोल सकते हैं कंक्लूजन वन करेक्ट होगा हर केस में। देन बोला गया है सम सॉज आर एक्सेस, सम सॉल्ट्स आर एक्सेस, क्योंकि अगेन एक्सेस कंक्लूजिव है सॉल्ट के अंदर, तो ये भी कंक्लूजन सही होगा एकदम, सम सॉल्ट्स आर एक्सेस विल बी करेक्ट। सम सॉल्ट्स आर सॉल्ट, क्योंकि ऑल सॉल्ट्स जो है सॉल्ट्स हैं, तो यानी कि सॉल्ट भी इंक्लूसिव हो जाती है सॉल्ट्स के अंदर, तो हम बोल सकते हैं सम सॉल्ट्स विल बी सॉल्ट, तो ऑप्शन थ्री कंक्लूजन थ्री भी सही हो जाएगा, यानी ऑल कंक्लूजन फॉलो, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है फिगर सीरीज का क्वेश्चन। अगर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में भी आ गया होगा ये हो क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पर अगर आप इस लाइन की बात करें और इस लाइन की बात करें, इस लाइन की बात करें तो हो क्या रहा है यहाँ पे, 45 डिग्री रोटेशन हो जा रहा है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। अगर आप फिगर ए मान लें, इसको फिगर बी मान लें, इसको फिगर सी मान लें, इसको फिगर डी और इसको फिगर ई मान लें, फिर अगर ई से फिगर बी तक जाने में मुझे एंटी क्लॉक वाइज 45 डिग्री का रोटेशन करना पड़ता है, फिगर बी से फिगर सी तक जाने में, फिगर बी से फिगर सी तक जाने में मेरे को अगेन जो है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का रोटेशन करना पड़ रहा है। सिमिलर में फिगर सी से फिगर डी जाने में एंटी क्लॉक वाइज 45 डिग्री मूव कर रहा हूँ, और फिगर डी से फिगर ई में जाने में फिर एंटी क्लॉक वाइज 45 डिग्री अगेन मूव कर रहा हूँ। तो अगर मैं फिगर डी को एंटी क्लॉक वाइज 45 डिग्री मूव करूँगा तो मेरे को कुछ फिगर मिलेगी इस टाइप से, तो ये फिगर शुड डिनोट हो रही है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें बोला गया है विच लेटर पेयर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो मिसिंग अल्फाबेट दिए गए हैं हमें, तो सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल सीरीज बना लेते हैं, देन चेक करते हैं हमारे लॉजिक को। के एच यू एन डब्ल्यू टी एंड ई बी, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन या मिसिंग टर्म है। के का कोड आपको पता है 11 होता है, एच का कोड होता है 8, क्यू का कोड होता है आपको पता है 17 एंड एन का कोड हो जाता है आपका 14। सिमिलर वे में डब्ल्यू का कोड होता है आपका 20,
3, T का कोड होता है 20, E का कोड होता है 5 एंड D का कोड होता है आपका 4। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, 17 में आप 23 को ऐड कर रहे हैं, मतलब 17 में अगर आप ऐड करें 6 को, प्लस 6 करें तो आपको 23 मिल जाएगा। सिमिलरली 14 में प्लस 6 करने का आपको 20 मिल जाएगा। अगर आप 23 में प्लस 8 कर दे रहे हैं, क्योंकि 5 तो ये लेटर्स हो गए टोटल 5, प्लस 23 प्लस 3 विल बी 6, तो 3 प्लस 5 विल बी 8। अगेन 20 में प्लस 8 करने पे 20 प्लस 6 विल बी जो है आपका, ये प्लस 4 नहीं होगा, ये होगा 2 को, तो प्लस 8 करने पर आपको 2 मिल जाएगा। देन यहाँ पे प्लस 6 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 8 हो रहा है, तो यहाँ पर इससे पहले प्लस 4 हुआ होगा और यहाँ से हुआ होगा प्लस 2। तो अगर मैं प्लस 2 करूँ तो 11 प्लस 2 जो होगा 13 हो जाएगा, एंड 8 प्लस 2 जो होगा वो 13 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सॉरी 13 और 10 जो है मिसिंग टर्म का कोड हो जाता है। 13 जो है वो कोड होगा एम का, एन और 10 जो है वो कोड होगा आपका जे का। तो एम जे विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, 32 एंड 54 में जो रिलेशन है, सेम रिलेशन जो है ऑप्शन में जो साइड दिए गए हैं उनमें होना चाहिए। तो 10, 32 एंड 54 की अगर हम बात करें, 54 में अगर मैं 10 को ऐड कर दूं तो मेरे को मिलेगा 64, और डिवाइड बाई 2 करने में मेरे को मिडिल टर्म मिल जा रही है, यानी कि 32। सिमिलर लॉजिक को अगर मैं फॉलो करूँ ऑप्शन नंबर ए पे, तो 77 प्लस 25 करने पर मेरे को मिलता है 7 प्लस 5 12 एंड कैरी ओवर 1 729 एंड 110। अगर 2 से डिवाइड करूँ तो 2 5 10 एंड 2 1 2, यानी 51 ना कि 47। तो ऑप्शन हो ए हो जाता है यहाँ से एलिमिनेट। 15 प्लस 37 करने पे मेरे को क्या मिलता है, 7 प्लस 5 2 12 यानी कैरी ओवर 1 3 प्लस 1 इज 4 एंड 4 प्लस 1 5 52। 52 अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 49 रिजल्ट नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी भी डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 79 एंड 35। 35 और 79 को अगर मैं ऐड करूँ तो 9 प्लस 5 विल बी 14 और कैरी ओवर 1 7 प्लस 3 10 10 प्लस 1 11 114। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे को मिलेगा 2 5 10 एंड 2 7 14 57, यानी कि मेरे को मिडिल टर्म मिल जा रही है। सिमिलर लॉजिक के हिसाब से तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एनालिसिस। तो दोस्तों इसी के साथ, इस क्वेश्चन के साथ जो है हमारी जो सीरीज है एसएससी सीएचएसएल की, वो ख़त्म हो जाएगी। आपको अगर ये सीरीज अच्छी लगी है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी पढ़ाने में मज़ा आए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेस्पॉन्सेज मिलेंगे हमें, रेस्पॉन्सेज मिलेंगे आप लोगों की, आप लोग जुड़ेंगे हमसे, तभी हमें भी मज़ा आएगा पढ़ाने में, और ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा आएगा। हम काफ़ी और जो चीज़ें हैं आपको वो और बताने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करें इसे जितना ज़्यादा फैला सकें उतना ज़्यादा फैलाएँ सीरीज़ को। आपको एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिला है, आपने अगर फॉलो किया है इस पूरी सीरीज़ को तो आपको समझ में आया होगा, हमने एक क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करा है। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि जिसको हमने कॉन्सेप्चुअली ना बताया हो, और आपको एग्ज़ाम में किस तरह से अप्रोच करना हो उस चीज़ का तरीका आपको ना बताया गया हो। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को और इस सीरीज़ को हम एंड करते हैं। तो क्वेश्चन बोला गया है हमें, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, पिक द ऑड वन आउट, एन आर वी डी एच एल पी टी एक्स एंड एफ के एम। तो सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल सीरीज बना लेते हैं। हमें ऑप्शन दिया गया है एन आर वी डी एच एल पी टी एक्स एंड एफ के एम। हमें देखें अगर हम, तो एन का कोड होता है 14, आर का कोड होता है आपका 18 एंड वी का कोड होता है आपका 22। सिमिलर वे में डी का कोड 4 होता है, एच का कोड 8 होता है एंड एल का कोड 12 होता है। सिमिलर वे में अगर हम ऑप्शन सी को चेक करें तो पी का कोड होगा आपका 16, टी का कोड 20 एंड एक्स का कोड जो होता है वो होता है 24। एंड ऑप्शन डी में अगर हम चेक करें तो एफ का कोड 6 होगा, के का कोड होता है 11 एंड एम का कोड होता है आपका 13। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 14 प्लस 4 करने पे 18 मिल जा रहा है, सिमिलर वे में 18 प्लस 4 करने पे आपको 22 मिल जा रहा है। सिमिलर वे में 4 प्लस 4 8 होता है और 8 प्लस 4 होता है आपका 12। सिमिलर वे में 16 प्लस 4 करने पे आपको 20 मिल जा रहा है ऑप्शन सी में, 20 प्लस 4 करने का आपको 24 मिल जा रहा है। बट अगर आप यहाँ पे 6 प्लस 4 करोगे तो आपको 10 मिलेगा ना कि 11। यहाँ पे हमें 11 मिल रहा है, तो ये हो जाता है आपका ऑड वन आउट अमंग ऑल द गिवन ऑप्शन। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी सीरीज़ जो है ख़त्म हो जाती है, जो कि पेपर हुआ था 11th of July इवनिंग शिफ्ट में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें इस वीडियो पे, अपने रेस्पॉन्सेस बताएं, और हमारे चैनल पेंडलम वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं रहें हमारी वीडियोज़ के, हमारी आने वाली सीरीज़ के, हमारे आने वाले अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और वीडियोज़ के।
तो दोस्तों मिलते हैं कुछ नया लेकर अगली वीडियोस में, तब तक के लिए प्रिपेयर करते रहें। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।